तो आज हम ऐसे पांच क्रिकेट के अपडेट की बात करने वाले हैं जिनको जान के आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के बारे में। अब इंडिया टेस्ट मैच हार गई है साउथ अफ्रीका से, ये तो आपको पता ही होगा। और इस मैच में रोहित शर्मा ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किए थे, जबकि विराट कोहली काफी सारे रन बनाए थे। रोहित शर्मा दोनों इनिंग को मिलाकर 5 रन बनाए थे। उन्होंने पहली इनिंग में 5 रन बनाए थे और अगली इनिंग में 0। और इसी के कारण फॉर्मर क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने रिएक्ट किया। वो बोले कि विराट कोहली टेस्ट के कैप्टन क्यों नहीं है। उन्होंने बोला, विराट रोहित से बहुत बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोहित अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन रोहित ने अब्रोड अपने आप को प्रूव नहीं किया है, जबकि विराट हर जगह रन बनाते हैं। तो इस हिसाब से विराट कोहली को कैप्टन होना चाहिए। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इसमें जरूर से बताइएगा। अब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात आई गई है तो मैं आपको बता दूं कि अगले टेस्ट मैच में जेराल्ड कोटजे नहीं खेलने वाले हैं। ऑल्सो कल आईसीसी ने यहां पे लिस्ट दे दी है 2024 में कौन सी टीम कितने टेस्ट मैच खेलने वाली है, जिसमें इंग्लैंड सबसे ऊपर है, इसके बाद इंडिया है। चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो है नेपाल क्रिकेटर संदीप लामेछाने की तरफ। आप इनको जानते होंगे, नेपाल के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, कमाल की स्पिन बॉल करते हैं और आईपीएल में दिल्ली की तरफ से खेलते हैं। ही इज द मोस्ट फेमस क्रिकेटर फ्रॉम नेपाल और ये अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं पूरे नेपाल की टीम से जो आईपीएल खेल चुके हैं। पर क्या आपको पता है अभी के टाइम में इनको जेल होने वाली है। इसका कारण यह है कि लास्ट ईयर जनवरी में एक लड़की ने इनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई। उस कंप्लेन में लिखा था कि काठमांडू के होटल रूम में इन्होंने 17 साल की लड़की को असॉल्ट किया। इसके बाद संदीप लामेछाने को जेल हो गई थी। उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने ऐसा किया है और 12 जनवरी को उनको बेल भी हो गई। बाद में वो नेपाल की टीम से खेलने लग गए थे, पूरे साल वो क्रिकेट खेले। पर अभी काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक बार फिर से उनके ऊपर सीरियस एक्शन लेने को कह दिया है। बट ये पता लग गया है कि वो गर्ल माइनर नहीं थी, वो 18 साल से ऊपर की थी। बट उन्होंने गलत किया है और इसी को चलते उनकी फिर से एक बार कोर्ट में पेशी होने वाली। चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो है एमएस धोनी की तरफ से। अब एमएस धोनी का एक वीडियो बहुत वायरल जा रहा है, इसमें हुआ क्या था? एमएस धोनी के फैन ने उनसे बोला कि आपको फूड बहुत पसंद है, आप मेरे को बताइए सबसे अच्छा फूड कहां मिलेगा। अब ऑब्वियसली एमएस धोनी पाकिस्तान जाते रहते हैं, वो काफी सारी सीरीज पाकिस्तान में खेले हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए अच्छे फूड के लिए। और भाई इसके बाद उस बंदे ने एमएस धोनी के एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला, आप भी बोल रहे हैं इवन इसके बाद भी मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। आप इस वीडियो को खुद देख लीजिए। You should go to Pakistan once for the food. I'm not going. But even though you suggest good food, sign up to coffee. Yeah, I like food. चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो WTC में होता क्या है कि हर टीम टेस्ट मैच खेलती है और उनके सारे टेस्ट मैच को मिला के जो टॉप 2 टीमें होती है उनका फाइनल होता है। ये प्रोसेस 2 साल चलती है। 2021 में भी इंडिया फाइनल खेली थी न्यूजीलैंड से, वो हार गए थे। और 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, तब भी ये फाइनल खेले। अब बात ये है कि हर सीरीज के पॉइंट कैलकुलेट होते हैं, तब कहीं जाके दो टॉप टीमों के बीच में फाइनल खेला जाता है। अब इंडिया साउथ अफ्रीका से पहला मैच तो हारी ही, लेकिन इसके साथ उन्होंने स्लो ओवर फेंका और ज्यादा टाइम लेने के कारण इंडिया को 10% मैच फीस तो लगी। साथ ही उनके 2 पॉइंट भी कट हो गए WTC की लिस्ट। अभी आप देख सकते हैं इंडिया 6ठे नंबर में आ गई है। वैसे WTC को अभी पूरे 2 साल है, इंडिया मुझे पता है ऊपर आ जाएगी, फाइनल खेलेगी। बट अभी के टाइम में इनके 2 पॉइंट कट हो गए और ये काफी ज्यादा नीचे। चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो आप जानते होंगे ESPN क्रिक इन्फो करके एक बिगेस्ट वेबसाइट है स्पोर्ट के और लिए। बात कुछ ये है कि ये वेबसाइट पूरे साल खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को नोटिस करती है और 2023 में इन्होंने खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को नोटिस करके टॉप 11 बताए हैं। अब इनकी टॉप 11 में रोहित कप्तान होंगे, रोहित और गिल ओपन करेंगे, कोहली फर्स्ट डाउन आएंगे, इसके बाद ट्रेविस हेड आएंगे, मिचेल आएंगे, क्लासेन आएंगे, जेनसिन, समी, जैम्पा, बुमराह, कुलदीप। अब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, इसके बाद भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 प्लेयर लिए, जिसमें ट्रेविस हेड और जैम्पा। चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो इंडिया टेस्ट मैच खेलने के बाद अफगानिस्तान से 3 मैच की T20 सीरीज खेलने वाली है और सब लोग कह रहे थे कि इस सीरीज में रोहित शर्मा कप्तान होने वाले हैं, बाकी पूरी टीम खेलने वाली है। विराट कोहली का सिलेक्शन नहीं हुआ है, पर कल टीम की अनाउंसमेंट हो गई। और कमाल की बात यह है कि इसमें रोहित विराट दोनों नहीं है, दोनों को शायद से रेस्ट दिया गया है और इसकी कप्तानी करने वाले हैं शुभमन गिल। इंडिया की तरफ से जहां शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, वहीं अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान करेंगे कैप्टेंसी। वैसे इसकी टिकट मिल रही है, आप जाके ले सकते हैं। चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो है मोहम्मद शमी की तरफ से। तो मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में बहुत सारे विकेट लिए, हॉल ऑफ 5 विकेट भी उन्होंने लिए थे, पर अभी उन्होंने रिवील किया कि वर्ल्ड कप के दौरान वो चोटिल थे, वो इंजेक्शन लेकर खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड कप क्रॉनिक लेफ्ट हील इशू के चलते वो पूरे वर्ल्ड कप ऐसे ही खेल रहे थे, इंजेक्शन ले लेकर। और उन्होंने ये भी बोला कि जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपको ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज से रिकवरी के लिए आपको टाइम लगता है, तो आपको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और अभी भी मोहम्मद शमी चोटिल चल रहे हैं, जिनके रिप्लेसमेंट में अवेश खान को रखा गया है लास्ट टेस्ट मैच। ये थी हमारी क्रिकेट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। यदि आपके पास भी कोई अपडेट है तो नीचे गूगल फॉर्म में जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।